हेलो स्टूडेंट्स, सपने कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए लेसन नंबर 10 चल रहा है अपना गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें अपने सारे अलग टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अपना लास्ट टॉपिक बचा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, अपने आज ये करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको किससे बांधा है, एक तुला या रबड़ की डोरी से बांधा है, और इस डोरी को पकड़ कर पत्थर को लटका रहे हैं। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो अपने सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, इन्होंने क्या किया कि एक जो है पत्थर ले लिया, ये देखो ये रहा पत्थर, ठीक है। इसको किससे बांधा हुआ है, ये डोरी, डोरी से बांधा हुआ है, और हाथ से पकड़कर इसको पानी में डुबाया गया। देखो, जैसे जैसे ये पानी में डूबता जाएगा, देखो तनी हुई है इस टाइप से डोरी, जैसे जैसे पानी में डूबता जाएगा उसकी जो तनी हुई जो डोरी है ना, जिसमें तनाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो डोरी है वो बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अपने क्या पता चल रहा है कि अपने को पता है कि जो द्रव है या जल है वो क्या कर रहा है, उत्प्लावन बल लगाता है ऊपर की ओर, एक ऐसा बल लगाता है जो उस पत्थर को ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो इसलिए क्या कर रहा है, डोरी में जो तनाव है वो कम हो जाता है। मतलब डोरी भी एक तरफ से बल लगा रही है और इधर से उत्प्लावन बल लग रहा है, तो दोनों साइड से बल लगने की वजह से डोरी का तनाव कम हो जाता है। देखो, इसमें इन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया और उसके बाद में क्या कहा हुआ है। देखो, आप जैसे देखेंगे कि जैसे पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे लेके जाते हैं, देखो इस टाइप से कोई पत्थर है और इसको पानी में यूँ धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे लेके जाओगे तो डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में कमी आ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि डोरी की जो लंबाई है, इस टाइप से लंबाई है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि द्रव भी क्या लगा रहा है, एक उत्प्लावन बल लगा रहा है। देखो, तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। देखो, पानी के बिल्कुल सतह पर बैठ गया पत्थर, तो द्रव जो है वो दाब लगाना बंद कर देगा, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है दाब लगाने के लिए। तो डोरी क्या है, फिर से तनी हुई अपने को दिखाई देने लग जाएगी। तो डोरी की प्रसार या इसके जो है तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो द्रव है वो उत्प्लावन बल लगाते हैं, और इसको अपने बताया हुआ है। अब आगे देखो, हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि, देखो लंबाई, डोरी की लंबाई में कमी या वृद्धि, या इसका जो पाठ्यांक है उसमें वृद्धि या कमी जो है पत्थर के भार के कारण होती है। अब आगे देखो, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने में इनमें वृद्धि या कमी आ जाती है। अभी अपनों ने देखा कि क्यों कमी आ रही है या क्यों इसमें वृद्धि आ रही है। तो इसका अर्थ है कि पत्थर के ऊपर की दिशा में कोई बल लगा रहा है। इस टाइप से पत्थर है, इसके ऊपर की साइड क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है। तो इसके परिणामस्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि डोरी की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इनकी वृद्धियों में कमी आ जाती है। क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इनमें कमी आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि ऊपर की ओर कोई बल लग रहा है। अभी अपनों ने किया है कि जैसे ये पत्थर है, इसमें ऊपर की ओर क्या एक पानी के द्वारा बल लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, अपना उत्प्लावन बल कहलाता है। अब देखो, इन्होंने क्या कहा है कि अगर अपने क्या कहे कोई रबड़ की डोरी लगाएं ले तो उस पर भी नेट बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लंबाई की वृद्धि में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्योंकि इसके बल मतलब जो है कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल भी बीच में कार्य करता है। अब आगे देखो, इन्होंने कहा है कि चर्चा की जा चुकी है कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है, परिमाण मतलब वो कुल मिला के कितना उस पर बल लगता है, ये सब जो है सभी वस्तुओं के लिए सभी तरलों में समान होता है। क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुओं में समान उत्प्लावन बल का अनुभव करता है? देखो, कोई भी तरल पदार्थ है उसमें चाहे कोई भी वस्तु डाल दें, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनमें क्या समान जो उत्प्लावन बल का अनुभव करेगा वो। तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो किन्होंने दिया, आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसीलिए उन्हीं की याद में इनको अपने आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है उन्हीं के नाम पे। तो इन्होंने इसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया है, कैसे किया, देखो, जब किसी वस्तु को कोई भी वस्तु ले ली, पीछे अपनों ने क्या लिया था, इस टाइप से पत्थर लिया था, तो पत्थर को आंशिक रूप से मतलब आधा या थोड़ा ज़्यादा, पूरा नहीं डुबाया जाता, और या फिर पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। तो देखो, इस
ऊपर की ओर, यहाँ पे तरल पदार्थ है, ऊपर की ओर क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। देखो अब यहाँ पे जैसे पानी है तो जहाँ जहाँ वस्तु जाएगी वहाँ वहाँ से पानी क्या हो जाएगा, उसके किनारों में साइडों में हट जाएगा, तो वो उसी तरल, वो उसी भार के बराबर होती है जितना पानी वो वस्तु वहाँ पर हटाती है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि अपनों ने क्रियाकलाप किया था 10.7, अपनों ने डायग्राम भी देखा था, उसमें पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में कमी क्यों नहीं हुई। देखो इस तरह से था, जैसे यहाँ पे मान लो ये पत्थर आ गया बिल्कुल पूरी तरह डूब गया, तो इसके नीचे स्पेस ही नहीं है तो बल कहाँ से लगेगा, जल नहीं है उसके नीचे, क्योंकि जल की जगह क्या आ गया, पत्थर आ गया, तो वो उसके डोरी का जो है पूरा तनाव वो है वो वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। देखो इन्होंने आर्किमिडीज की पूरी जो है यहाँ पे जीवनी दी हुई है, अगर पढ़ना चाहते हो तो इधर से पढ़ सकते हो। अब देखो आगे इन्होंने बोला हुआ है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से बहुत जो है, आर्किमिडीज का सिद्धांत से बहुत से अनुप्रयोग है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे, देखो यह जलयानों, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ पानी में जाते हैं, पनडुब्बियों, उनका डिज़ाइन बनाने के काम आता है। डिज़ाइन बनाए जाते हैं क्योंकि वो पानी में उनके घनत्व के हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि वो पानी में डूबे नहीं। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच कराने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखो अपने आर्किमिडीज की थ्योरी जो है थी वो कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इस लेसन का, वो है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व सबसे पहले जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व होता क्या है। देखो उन्होंने क्या कहा है, आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति इकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, मतलब प्रति इकांक में जो अपना द्रव्यमान है वो अपना क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, कैसे लिख सकते हैं उसको, किलोग्राम प्रति घन, घन मतलब मीटर की क्या आ गई यहाँ पे, क्यूब आ गई। तो विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, जो पदार्थ है उसका घनत्व क्या रहेगा, समान रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, मतलब जैसे पदार्थ कुछ अलग ले रहे हैं तो उसका घनत्व अलग होगा, कोई अदर पदार्थ है तो उसका घनत्व अलग होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है सोने का, कि सोने का घनत्व दे रखा है कितना है, 19,300 किलोग्राम जो है पर मीटर की क्यूबिक दे रखे, इन्होंने घन दे रखा है। देखो जबकि पानी का जो है अपने पास घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन क्यूब, अपने इसको मीटर कह सकते हो। तो किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। तो देखो यहाँ पे सोने के लिए इसका घनत्व अलग था, पानी के लिए उसका घनत्व अलग था। प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, मतलब अपने भी देखो सीधी सी बात है, उत्प्लावन बल किस पे लगता है, अपने पानी पे लगता है, तो यहाँ पे पानी के घनत्व के सापेक्ष ही अपने पदार्थों का घनत्व ज्ञात करेंगे। तो देखो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व के अनुपात होता है। समझ आया कि पानी का घनत्व क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, सिर्फ पानी में लगता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या रखा है, किसी पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व। कोई भी पदार्थ ले रहे हो किसके सापेक्ष, उसको अपने देखेंगे पानी के सापेक्ष देखें, तो उस पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व अपने क्या कहलाएगा, आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो वो इसी अपने जो है फॉर्मूला से सॉल्व होगा। अब देखो उन्होंने क्या कहा, चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का अनुपात होता है, कुछ भी ऐसी समान राशियाँ जिनका घनत्व है वो उनका जो है अपने अनुपात के रूप में ये दिया होता है, इसलिए कोई राशियों का कोई जो है मात्रक नहीं होता, तो इसीलिए आपेक्षिक जो घनत्व है उसका भी कोई भी मात्रक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।